सिस्टम के कारिंदों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर शमसुद्दीन सुमरो के तबादले ने सिस्टम से जुड़े अफराद को कहीं का ना छोड़ा। नक्शा जात की मंजूरी और गैर कानूनी तामीरात के लिए आगा सिस्टम में मुबैया तौर पर एडवांस दिए जाने वाले करोड़ों रुपए फंस गए। डायरेक्टर जनरल के तबादले से ही आगा सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। सिस्टम को नाकाबिले तस्खीर समझने वाले अंदरूनी और बैरूनी चीले करोड़ों रुपए डूबने के खौफ से सर पकड़े बैठे हैं। जराए के मुताबिक साबिक डायरेक्टर जनरल ने तबादले को रुकवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पीपल्स पार्टी की आला कयादत के फैसले को तब्दील ना करवाया जा सका। शमसुद्दीन सुमरो को अथॉरिटी की तारीख में आने वाले ताकतवर तरीन डायरेक्टर जनरल में शुमार किया जाता था। जराए का ये भी कहना है कि शमसुद्दीन सुमरो ने अपनी तनख्वाह और दीगर मराहत SBCA के खाते से वसूल करना शुरू कर दी थी। अथॉरिटी में मुस्तकिल होने के बाद उन्होंने हुकूमत सिंध की इमा पर वो कारनामे सर अंजाम दिए जो इससे कबल किसी को करने की जरूरत ना हुई। उनका हुक्म ना मानने वाले अफसरान को सजा के तौर पर अंदरूनी सिंध तबादला कर दिया जाता था, जबकि सीनियर अफसरान में से कोई उनके दफ्तर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था।